की दुनिया से अलग किसी दूसरी दुनिया में भेज दिया जाए और उस दुनिया में गेम खेलकर आपको जिंदा रहना पड़े तो क्या होगा? गेम खेलना ही होगा। आज हम करेंगे साल 2022 की टॉप 3 गेम सीरीज का रिव्यू डाउनलोडिंग के साथ। हर सीरीज को 30 से 50 सेकंड का टाइम मिलेगा अपने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट को पोस्ट करने के लिए और क्या फैमिली के साथ एक्सपीरियंस करने लायक है या नहीं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन में दबा दें। ऑफिशियल रिव्यू में एक्शन ड्रामा वेब सीरीज IMDb रेटिंग 7.7 के साथ एलिसन बॉर्डरलैंड 2 सीजन 16 एपिसोड एवरी एपिसोड 56 मिनट ही। 3 दोस्त जिन्हें की लाइफ बिल्कुल झंड हो चुकी है वो टाइम पास के लिए रोड पर जाते हैं तभी अचानक से एक धमाका होता है और धमाका होते ही पूरा देश एक अरेना गेम में बदल जाता है। स्वागत है तुम्हारा आखिरी गेम अरेना में। सभी को अलग अलग टास्क के अलग अलग गेम क्लियर करने होते हैं। गेम क्लियर करने के बाद उन्हें एक कार्ड मिलता है और कार्ड में वीजा डिटेल की होती है। डेट पूरे होने के बाद उन्हें मार दिया जाएगा या वो गेम क्लियर कर वीजा डेट बढ़ा सकते हैं। जो गेम नहीं खेलेगा वो भी मरेगा और जो हारेगा वो भी। पॉजिटिव पॉइंट की बात की जाए तो सीरीज आपको बोर नहीं होने देगी और कुछ कैरेक्टर से आप अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे। जबरदस्त एक्शन और एडवेंचर देखना चाहते हैं तो आप इस सीरीज को जरूर देखें। अगर सच जानना हो ना तो मुझसे पूरी ताकत से लड़ना। अगर आप गेम खेलते खेलते भविष्य से कनेक्ट हो जाए तो कैसा होगा? मैं गेम में रहने का ढोंग करके थक चुकी हूँ। सेकंड सीजन में एक्शन एडवेंचर IMDb रेटिंग 8 के साथ पेरिफेरल। दो भाई बहन एक छोटे से गांव में रहते हैं। लड़की कोई भी गेम आसानी से क्लियर कर लेती है। इसी के चलते उसके भाई के पास AI गेम हेडसेट आता है जो कि भविष्य जाता है। हेडसेट को लगाते ही वो अलग दुनिया में चल जाती है और उसे करने के लिए एक टास्क दिया जाता है जिसे वो बहुत आसानी से कंप्लीट कर लेती है। बाद में उसे पता लगता है कि ये कोई गेम नहीं, ये भविष्य है। ये लंदन है, तुम्हारे आज के लंदन से 70 साल आगे, और उसकी दुनिया कुछ समय बाद खत्म हो जाएगी। फ्यूचर में से वो कुछ डाटा चुरा लेती है और उसे मारने के लिए कुछ लोग फ्यूचर से आते हैं। उन लोगों से वो कैसे बच पाएगी और अपनी दुनिया को कैसे बचा पाएगी? नेगेटिव पॉइंट की बात की जाए तो सीरीज के घंटों लंबे एपिसोड में बीच बीच में आप बोर हो सकते हैं, लेकिन सीरीज के एक्शन उन सबकी भरपाई कर देंगे। हर सीजन तो एक लेजेंडरी सीजन है जिसको देखने के बाद आपको सीजन 2 का इंतजार रहेगा। एक्शन थ्रिलर कोरियन ड्रामा IMDb रेटिंग 8.3 के साथ स्क्विड गेम सीजन 1। आप हर तरह से कर्ज में डूब गए और कोई बंदा आपको बोले कि ये गेम खेलकर आप करोड़ रुपए जीत सकते हैं तो आप क्या करेंगे? तुमने उन सबको मार डाला। जो 6 के 6 गेम्स जीतेगा उसे इनाम में ढेर सारा पैसा मिलेगा। सीरीज में ऐसे दर्शक है, सभी सफल लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है और उन्हें बच्चों वाले गेम खिलाए जाते हैं। इन गेम में फर्क सिर्फ इतना है जो हारेगा वो मरेगा। बच्चों की गेम्स के रूल आसान होते हैं। खत्म होने के बाद हर खिलाड़ी के टोटल अमाउंट एक जगह इकट्ठा हो जाती है जो लास्ट में जीतने वालों को मिलेगी। पॉजिटिव पॉइंट की बात ही मत पूछो। सीरीज के 8 एपिसोड हर एपिसोड में नए गेम के साथ नया ट्विस्ट आपके सांसें रोक देने वाला है। अगर आपको इनमें से किसी भी सीरीज का डायरेक्ट डाउनलोडिंग चाहिए तो आप कमेंट में कभी भी टाइप कर सकते हैं यस, और ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी सीरीज हिंदी में अवेलेबल है, डाउनलोड करो और वॉच करो। जो प्लेयर खेलने से मना करेगा एलिमिनेट कर दिया जाएगा।